अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गुलजार अली और आप सबको देसी विदेशी फूड्स में वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे। दोस्तों आज कुकिंग करने हम आउटडोर आए हुए हैं, बच्चे भी मेरे साथ हैं और दोस्त भी कुछ साथ हैं। आज मौजूद हैं हम सिंधु दरिया पे, सिंधु जो मकाम है यहाँ पे, ये खैरपुर लाड़काना पुल है उसके करीब। अब मैं इस वक्त कश्ती में बैठा हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये दरिया का नज़ारा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों चलिए अभी कुकिंग स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आज हम क्या पका रहे हैं। दोस्तों आग जल गई है, अभी हांडी रखेंगे और अपना काम स्टार्ट करेंगे। दोस्तों आज हम बना रहे हैं चिकन वेजिटेबल सूप। सीज़न के हिसाब से विंटर की स्टार्टिंग है तो आउटडोर कुकिंग के लिए हम आए हुए हैं सिंधु दरिया पे। आप देख सकते हैं पीछे मेरी दरिया है और कश्तियाँ खड़ी हुई हैं यहाँ पर। दोस्तों पैन में पहले पानी मैंने डाल दिया था, जो कि पानी अभी उबल रहा है, अभी इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। जैसे कि सर्दियों की स्टार्टिंग है दोस्तों आप जानते हैं, तो इसलिए बच्चों ने ये डिमांड की कि हमने जो है सूप पीना है, तो इसलिए आज सूप बना रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आए। दोस्तों मेरे साथ वही पुरानी टीम शामिल है, एक दोस्त नया है। पहले मेरा भांजा है सोहेल, सोहेल हाथ हिला दें। उसके बाद मेरा बेटा है शोएब, मेरा भाई है इरफान, मोहम्मद सलीम मेरा दोस्त और दिलबर भाई और चाचा कश्ती वाले बैठे हुए हैं साथ में। तो दोस्तों जैसे ही ये उबलेगा पानी तो दूसरी चीज़ें हम ऐड करेंगे, तो आपको अपडेट करते रहेंगे। दोस्तों यखनी हमारी रेडी हो चुकी है, अभी चिकन निकालेंगे, बाद में श्रेड करेंगे चिकन को। एक प्याली हमने बंद गोभी ली है, वो ऐड करेंगे दोस्तों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्याली हमने गाजर लिए हैं जो कि बिल्कुल बारीक हमने काट लिए, वो ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे दोस्तों। दोस्तों एक टी स्पून नमक ऐड करेंगे, बाद में हम टेस्ट कर लेंगे। दोस्तों 3 से 4 मिनट तक कवर करेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाएं। दोस्तों चिकन हमने ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे दोस्तों, अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। दोस्तों ग्रीन आनियन स्प्रिंग्स ऐड करेंगे इसमें, थोड़े से मैंने काट लिए। एक टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे दोस्तों, एक टीस्पून विनेगर ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे दोस्तों। दोस्तों 7 टेबल स्पून हमने कॉर्न फ्लोर लिया है, पानी ऐड करेंगे और इस सूप में हम ऐड करेंगे। दोस्तों अभी कॉर्न फ्लोर ऐड करेंगे। दोस्तों
दोस्तों स्लो स्लो ऐड करते जाएंगे और चम्मच भी साथ में हिलाते जाएंगे हम। एक हाथ से चम्मच चलाएंगे और एक हाथ से डालते जाएंगे। दोस्तों मुझे थिक चाहिए इसलिए थोड़े में ज़्यादा ऐड कर रहा हूँ मैं। आपको जिस हिसाब से चाहिएगा तो आप उसी हिसाब से ऐड कीजिएगा। दोस्तों दो तीन मिनट तक चम्मच को ऐसे हिलाते रहेंगे हम लोग। दोस्तों दो अदद अंडे लिए हैं मैंने, जर्दी के साथ लिए हैं, आप बगैर जर्दी के भी ले सकते हैं। फेंट लेंगे अच्छे से दोस्तों, उसी तरीके से ऐड करेंगे। चम्मच भी चलाते रहना है हमें और ऐड भी करते जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर जब वीडियो शूट कर रहे हैं तो कुछ बच्चे भी यहाँ पर आ गए हैं गांव वालों के, तो उसी हिसाब से हमने सूप जो है वो तैयार किए, तो उन बच्चों को भी शामिल करेंगे अपने साथ। अभी सूप जो बिल्कुल तैयार होने की मरहल में है दोस्तों, दो तीन मिनट तक मज़ीद हम जो है चम्मच ऐसे चलाते रहेंगे, उसके बाद हम आपको डिश आउट करके दिखाएँगे। दोस्तों आप अपनी मर्जी के मुताबिक गाढ़ा कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी जो है मुझे इतना ही चाहिए, ज़्यादा थिक नहीं चाहिए, ये थिक काफ़ी है, तो आप उसी हिसाब से अपने हिसाब से आप तैयार कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ताला जल्द एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।